तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं देकर आपका ज्योग्राफी क्लास 10th का वन शॉट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। काफी बेहतरीन चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी का, फर्स्ट चैप्टर है एज वी नो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे भी जाते हैं, कुछ फ्रेज भी होते हैं, ठीक है। तो क्लास इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हर एक चीज आराम से, प्यार से, मोहब्बत से सारी चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चाहे वो हो लैंड डिग्रेडेशन, चाहे वो सॉइल्स के टाइप्स, चाहे वो हमारे रिसोर्सेज के, हमें हर एक चीज़ को समझेंगे और जानेंगे। चलिए अब भाई साहब, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज रिसोर्स। ये रिसोर्स है क्या, रिसोर्स है क्या? आप कहेंगे सर रिसोर्स होते हैं संसाधन, तो मेरे हिंदी की इंग्लिश की डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नॉर्मल पूछ रहा हूँ रिसोर्स क्या है, ठीक। अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स की, तो रिसोर्स होते हैं हर वो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, एवरीथिंग विच वी यूज़। आप कहेंगे सर हर एक चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, हाँ बेटा आपके फ़ोन, आपका कंप्यूटर, एयर, वाटर, लैंड, हर एक चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स है। पहला सर सारी चीज़ें रिसोर्स कैसे हो सकती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आया कि हर एक चीज़ रिसोर्स क्यों हो सकती है और कैसे हो सकती है। बेटा हर वो चीज़ रिसोर्स होती है, हर वो चीज़ जो आपकी पहुंच में होती है, जब तक आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो और आपकी रीच होती है। अगर आपकी उस रिसोर्स तक यानी उस सोर्स तक रीच नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ रिसोर्स। अगर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते और आपकी रीच वहां तक नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है बच्चा, आपने मेरा फ़ोन लिया, आप कहोगे सर फ़ोन दे दो, फ़ोन तो रिसोर्स है, हाँ सर फ़ोन रिसोर्स है, लेकिन वो फ़ोन कब तक रिसोर्स है, जब तक का कोड पता ना हो। जब मतलब जब उसका कोड पता चल जाएगा तब वो रिसोर्स बनेगी, जब तक पता ना हो तो रिसोर्स नहीं है भाई, वो सिंपल सी बात है। इसका सिंपल सा सिनेरियो मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपको फ़ोन दे रखा, आप कहोगे सर ये तो रिसोर्स है, वो रिसोर्स कैसे है, आप कहोगे सर इसका यूज़ कर सकते हैं, मैं कहूँगा करके दिखाओ, आप कहोगे सर लॉक लगा है। तो बेटा जब तक आपको कोड नहीं पता होगा क्या वो रिसोर्स है, आप लगेंगे नहीं सर वो रिसोर्स, यानी आपके पास एक रीच होनी चाहिए रिसोर्सेस की, तभी वो रिसोर्स बनता है कोई भी चीज़। जैसे अगर मैं कह दूं कि आपके ज़मीन के काफ़ी नीचे सोना दबा हुआ है, और आपने कहा सर अरे ऐसी कैसी बात है, सोना तो रिसोर्स है, संसाधन है, हमारे जीवन को सरल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर, पैसा मिल जाएगा, तो मैं गड्ढा खोदना चालू करा, लेकिन वो इतनी डेप्थ में है कि आप वहाँ तक जा नहीं सकते, क्योंकि हम पृथ्वी की एक डेप्थ तक जा सकते। सर वो सोना किसी काम का नहीं है, रिसोर्स नहीं है, यानी अंगूर खट्टे। बेटा सिर्फ वही चीज़ रिसोर्स होती है जिसकी हमारा हम जिस तक रीच करते हैं, यानी हमारी जो पहुंच है वो है वहाँ तक रीच है, ठीक। हमें यूजफुल है हमारे लिए, हमारी लाइफ को इजी बना रही है, हमारी लाइफ को इजी बना रही है। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, जानी है, देखी हैं, फोन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, हर एक चीज़ रिसोर्स है हमारे लिए, हर एक चीज़ रिसोर्स है, इवन पत्थर तक रिसोर्स है। आपकी रीच है, हाँ सर है, आप यूज़ कर सकते हैं, यस सर वी कैन यूज़ इट, तो वो रिसोर्स है। क्लियर, टेलीग्राफ देखते हैं और उनका डेवलपमेंट, रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारे आस पास हर जगह अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है सर, अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, हाँ सर अवेलेबल, ठीक, पत्थर अवेलेबल है, हाँ सर अवेलेबल, तो रिसोर्स है। Which can use to satisfy our human needs, या our needs, जो हमारी needs को satisfy करती है। क्या रहा तुम कह रहे हो सर मार दिया, मैंने कहा क्या हो गया सर, पैसा नहीं है, तो मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, तो क्या पैसा रिसोर्स है क्या, हाँ सर आपकी नीड पूरी कर रहा, सर भूख लग रही थी सर, मैंने तुम्हें खाना दे दिया, रिसोर्स सर रिसोर्स, हर एक चीज़ जो हमारी नीड पूरी कर रहा है वो रिसोर्स। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मैंने क्या कहा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, एक्सेस हो, आप वहाँ तक पहुँच पाए, उसको यूज़ करने को यूज़ कर पाए, आपके पास वो एक अथॉरिटी हो या फिर वो टेक्नोलॉजी हो जिससे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप लैपटॉप या कंप्यूटर तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी, टेक्नोलॉजी होगी। अगर हमसे कहा जाता है कि आज से अगर 500 साल पहले कहा जाता है कि भाई ज़मीन के नीचे पेट्रोल निकाल लो, कहते हैं कैसे, गड्ढा खोदेंगे इतने नीचे जाए क्या, लेकिन अब फिजिबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी भैया हमारे पैसे के अंदर आ जाए। तुमने कहा यार जैसे
आईफोन अपना, हाँ सर आईफोन, आईफोन रिसोर्स है, हाँ सर रिसोर्स है, फोन तो है, हाँ सर फोन है, लेकिन मेरे जैसे कि इकोनॉमिकली फिजिबल आपको भी नहीं सर, गरीब आदमी है यार, कहाँ से खरीदेंगे 1-1.5 लाख का, तो ये इकोनॉमिक फिजिबल है नहीं। ठीक, समुद्र की एक डेप्थ के अंदर जाकर, मतलब एक डेप्थ तक जाकर मीठा पानी मिलता है, जहाँ तक समझते हैं कि मीठा पानी मिलता है और उसको फिल्ट्रेट करते हैं, तो उसकी जो लागत है, जो उसके अंदर पैसा खर्च होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, अराउंड 2-3 लाख से ज़्यादा खर्च होता है। तो क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल आपके लिए? क्या फ़ायदा ऐसे रिसोर्स का, क्या फ़ायदा जो इकोनॉमिकली फिजिबल भी, फिजिबल ही ना हो, आपके लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है, मतलब आपके पास पैसा नहीं है देने का, तो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि किसी और के पास भी नहीं, वो किसी और के लिए रिसोर्स बन जाए। जो तीनों कैटेगरी को सेटिस्फाई करेगा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, यानी हमारे समाज के अंदर वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही। जैसे हम अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कोल पेट्रोल से शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो सीधी बात है बच्चा, हम वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा शिफ्टिंग, हमारी शिफ्टिंग चल रही है वहाँ से। तो जो शिफ्टिंग है वो क्या है, हम कल्चरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अब कोल को या पेट्रोल को, हमें कुछ और रिसोर्स है। तो ये यानी तीनों चीज़ों को जो वेरीफाई करता है वही क्या है, रिसोर्स। ओनली देन इट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, तभी उसको रिसोर्स कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, मिनरल्स है हमारे पास, फॉरेस्ट है, फॉसिल फ्यूल्स है। आप कहेंगे सर आपने तो फॉसिल फ्यूल्स से शिफ्ट हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमारे जो कल्चर है, सोसाइटी, अब जाके हमें कहा, हमने कहा है कि नहीं यार, फॉसिल फ्यूल को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, दुनिया के अंदर हर एक देश जो है फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, जा रहा है, यानी नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ, यानी एक ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जनरेट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको क्षति ना हो, यानी उसको कोई नुकसान ना हो, सब चीज़ें आराम से चलती है, तभी हम एक चीज़ को रिसोर्स कहते हैं। आई होप आपको रिसोर्स का पूरा एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि भाई रिसोर्स क्या है। रिसोर्स इज एवरीथिंग विच सेटिस्फाई अवर ह्यूमन नीड्स, तो वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। सेकेंड, टेक्नोलॉजी के एक्सेसिबल हो, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तीनों पॉइंट को वैलिडेट करे। जब वो तीनों पॉइंट को वैलिडेट करता है, तब जाके वो चीज़ें सही या गलत में बैठते हैं, वरना उससे पहले नहीं। ये ध्यान रखें। क्लियर? अब हम क्लासिफाई करते हैं अपने रिसोर्सेज को। हमने अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। हमारी अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं, एनिमल्स, एयर, ऑयल, रॉक्स, मिनरल, सन, सॉइल, प्लांट्स, गैस, वाटर, सब। एनिमल भी रिसोर्स होता, पता है ना भाई ये बात, एनिमल्स इज ऑल्सो रिसोर्स, क्योंकि आप एक मतलब एक ऐसी साइकिल के अंदर हैं जिसके अंदर हर एक व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, चाहे एनर्जी साइकिल हो, चाहे कोई सी भी साइकिल, सब अपनी अपनी साइकिल के अंदर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एनिमल्स की इंपॉर्टेंस अलग है, ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस अलग है, प्लांट्स की अलग है, ठीक है, सब अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स समझते हैं, ऑन द बेसिस, ऑरिजिन के बेसिस पे हम दो बांटते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होने के कगार पे कौन से होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। बेसिकली अगर ऑनरशिप के बेसिस पे देखें तो इंडिविजुअल है हमारे पास, कम्युनिटी है, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स। अगर हम स्टेटस और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, रिजर्व है, इन स्टॉक। ये सारे तरीके से हम बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं रिसोर्स। अब एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। अगर हम बायोटिक और अबायोटिक की बात करते हैं, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, बेसिकली क्या होते हैं, जिसके अंदर लाइफ होती है, जो चल फिर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रीज की, ह्यूमंस की, ये सारे बायोटिक। अबायोटिक जो घूम फिर नहीं सकते, हिलुल नहीं सकते, जैसे क्या हो गया रॉक्स, जैसे क्या हो गया बच्चा रॉक्स, क्या तुमने देखा ऐसे कि ये पत्थर है, ये यहाँ पर एक पत्थर पड़ा, मान लो यहाँ पे एक पत्थर पड़ा है, ठीक है, वो चल चल के चल चल के चल चल के इधर आ गया। हाँ, पेड़ के अंदर मूवमेंट होती है, आप जानते हैं जो ट्रीज होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आप कहोगे सर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे है, अगर बेटा तुमने साइंस पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि सारे काम कर, सारे काम का मतलब है यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीट करता है, यस सर करता है, ठीक है, वो गम्स या रीजन के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, पहला पॉइंट, ठीक, ग्रोथ करता है, हाँ सर ग्रोथ करता है, ब्रेथ करता है, जी सर ब्रेथ भी करता है, फूड जनरेट करता है, करता है सर, फोटोसिंथेसिस भी,
तो बेटा सारी ह्यूमन क्वालिटीज है कि तुम बढ़ते हो हाँ सर, बढ़ते हैं एक्सरसाइज करते हो हाँ सर, रोज सुबह सुबह करते हैं, खाना खाते हो हाँ सर खाते हैं, बनाते हो हाँ सर मम्मी बनाती है खाना, बस ये कि उसका किचन उसी की बॉडी में, हमारा किचन हमारी बॉडी में थोड़ी है, हमारा तो बाहर है, हमारा तो घर में पड़ा हुआ है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये अलग अलग तरीके से हमने बांट रखे हैं, ऐसा नहीं है कि जो बायोटिक में आएगा वो रिन्यूएबल में नहीं आ सकता, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी पे अगर आप कहेंगे ऑरिजिन के बेसिस पे बांट दो तो हम बायोटिक वो बायोटिक में बांट देंगे, अगर उसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि भैया एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर बांट दो तो हम इसमें बांट देंगे, अगर ऑनरशिप के आधार पर बांटना है इस तरीके से बांटेंगे, स्टेटस और डेवलपमेंट के तौर पर इस तरीके से बांटेंगे। चलिए ऑरिजिन के बेसिस पे हो गया, एग्जॉस्टेबिलिटी का देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है बच्चे? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। वो सारे रिसोर्सेज जिनको फिजिकल भौतिक, केमिकल यानी रसायन, मैकेनिकल यानी हिंदी में नहीं पता भाई मैकेनिकल, यांत्रिक 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 याद आ गया, हिंदी वालो देख लो यांत्रिक, हमारे चक्कर में हिंदी यांत्रिक यांत्रिक मेरे भाइयों, मैकेनिकल प्रोसेस से उसको हम रियूज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नोन एज रिन्यूएबल और रेप्लेनिशेबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। आप कहेंगे सर वाटर, यस वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, आप उसको रियूज कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, ध्यान रखना मैं क्या करो ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ठीक है, जैसे था वैसे ही उसे उठा के बना सकते हैं और उसको हम पृथ्वी के अंदर यूज कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस से क्या मतलब है? फिजिकल यानी हम खुद ही बनाया, जैसे मिट्टी है को बना दिया, मिट्टी को दोबारा बना दिया, वैसे मिट्टी को बनने में टाइम लगता है, चिकनी मिट्टी होती है ना उसको तोड़ा फोड़ा दोबारा बना दिया इस तरीके से, ठीक। फिजिकल प्रोसेस यानी इसके अंदर हमारा काम, केमिकल प्रोसेस हो गए, केमिकल्स का यूज किया जाता है, जब आप जानते हैं वाटर को जब प्योरीफाई किया जाता है केमिकल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर मैकेनिकल प्रोसेस यानी मशीनरी का यूज करके भी हम चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो मशीन को यूज करके हम उसका रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं हम धीरे धीरे सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी की तरफ, टाइडल एनर्जी जिसके सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल हो गई, विंड एनर्जी जो हो गई, इसकी तरफ हम बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हम पूरी तरीके से सोलर, टाइडल और विंड एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी सीधी बात है बच्चा कि हम अब कोल और पेट्रोल से शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है और ये अच्छी बात है। रेप्लेनिशेबल रेप्लेनिशेबल, अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच वन गेट एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिमेड। भैया एक बार खत्म तो खत्म, ठीक है, एक बार खत्म तो खत्म, एक बार में हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है कि तुमने पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी के अंदर तो तुमने वो साइलेंसर के एक पाइप लगाया और पाइप का धुआं दोबारा टंकी में डाल दिया, कह रहे नहीं जी यहाँ से धुआं निकलेगा, यहाँ से पेट्रोल बनेगा जी, यहाँ से धुआं डालेंगे यहाँ से पेट्रोल बन के निकलेगा जनाब, ऐसे नहीं, ऐसा होता तो तुम बस पूरे टैंक फुल करा देते जिंदगी में एक बार और पाइप लगा के उसी को चलाते रहते, वो साइकिल घूमती रहती घूमती रहती, एक बार पेट्रोल जला खत्म खत्म खलास फिनिश होकर टाटा बाय बाय चल निकल आप, ठीक है, चाहे जो और बहुत लंबा जियोलॉजिकल पीरियड टाइम है, यानी नेचर ही बना सकता है इसे, हम नहीं बना, ठीक है, नेचर ही बना सकता है। जैसे अगर फॉरेस्ट है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने फॉरेस्ट को रीगेन करा है, कि अपने 30 साल लगा दी जिंदगी, 40 साल लगा दिए फॉरेस्ट को बनाने में, दोबारा से जहाँ पे 4 पेड़ थे वहाँ पे पूरा का पूरा दोबारा से फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, तो आप फॉरेस्ट को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अफॉरेस्टेशन की बात की जाती है, भाई पेड़ लगाए, ठीक है, हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं, हम रिन्यू कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर हम अपने प्रोसेसेस छोड़ दें, मैकेनिकल प्रोसेस की सब इंडस्ट्रीज बंद कर दें, वाइल्ड लाइफ दोबारा से रिजॉइस हो सकती है, दोबारा से बन सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जब लॉकडाउन लगा तो आपने देखा बहुत सारे जो जानवर थे या फिर बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज थे, ठीक है, प्रोसेस थे, वो सब आए, फ्लोरा फौना एकदम से बदल गया, एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया भाई, ठीक है, समझ। लेकिन नॉन रिन्यूएबल के साथ ऐसा नहीं होता, इसको हजारों साल लगता है, लाखों साल लगता है, जैसे मिनरल्स, आपने सोना एक बार यूज कर दिया दोबारा बन पाएगा? नहीं सर, ऐसा होता तो हर घर में सोना बन रहा होता,
है, इधर से आलू डालते, इधर से सोना निकालते, और हम झोला लेके पहुंच जाए। इफ यू नो यू नो। चलिए अब बात ही है फॉसिल फ्यूल्स की बारी। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आता है पेट्रोल, कोल्स। पेट्रोल और कोल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। कोल्स के, कोल के बारे में तो एक वो कहावत भी है ना, एक मतलब रिडल भी है कि आई एम ब्लैक, ठीक है, देन टर्न इनटू रेड एंड देन टर्न इनटू ग्रीन, व्हाट आई एम, मैं काला हूँ फिर मैं लाल हूँ फिर मैं ग्रे हूँ मैं खत्म, कौन हूँ मैं, तुम हो कोयला, कोयला कोयला के कसम से कोयला हो गई। कोयले के मतलब है अच्छा, एक बार जलाया यूज होगा, आप उससे एनर्जी कंज्यूम करेंगे और कोयला खत्म। एक एनर्जी का तो लॉ भी कहता है कि भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, एक से अनदर। यहाँ पे कोयला खत्म हो जाता है ना, एनर्जी, एनर्जी कहाँ खत्म हो रही, कोयला खत्म हो रहा है बेटा। ठीक, तुम तो कोयला फूकते रहोगे, तुम तो कोई एनर्जी आ रही है सर, फॉर्म ही तो चेंज हो रही है, उसका मतलब क्या है, कोयला फूकते रहे, पेट्रोल जलाते रहे, चाहते क्या हो तुम लोग। ठीक, इसलिए हमें इन रिसोर्सेज का थोड़ा रुक कर इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा सोच के। इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई ये रिसोर्सेज वापस नहीं आएंगे, करोड़ों साल लगेगा यार बनने में। करोड़ों साल किसके पास है, तुम्हारे पास है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो 62 साल है इंडिया के अंदर, 62 65 साल, सर 65 हिसाब से हमारे बच्चे 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 पता नहीं कौन सी पीढ़ी आगे देखेगी, वो भी देख पाएगी नहीं देख पाएगी, इसका भी कोई वो नहीं है कि हाँ देख पाए नहीं, को ना 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 गोरी है ना, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देख लोगे तुम पेट्रोल, ना भाई ना, चलता रहेगा। और ये तो सोलर एनर्जी है, सोलर है, विंड एनर्जी है, ये टाइडल एनर्जी आप जानते हैं, जहाँ पे टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स बनते हैं वहाँ पर टर्बाइन लगाई जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। ठीक है, इसमें मैग्नेट बड़ी काम आती है, आप जानते हैं कि मैग्नेट से ही काम होता है सर। अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप के अंदर आता है इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फोन, ठीक, आपके पास फोन होगा या फिर मैं बता देता हूँ, फोन है मेरे पास, ठीक है, ये मेरा मेरा पर्सनल, आपके पास अपना पर्सनल बाबू सोना होगा तो आपको पर्सनल है, मोहल्ले का तो नहीं, आपको बात तो सही कह रहा हूँ आप, ठीक, तो पर्सनल जो आपका बाबू सोना होता है या फिर आपको फोन है, तो ऐसे तो नहीं है तुम फोन पे बात करो एक हाँ कहाँ चल रहा है, ऐसे तो नहीं होता ना कभी भाई, आपके पास फोन है तो मोहल्ला फोन कर रहा है, अरे यार उनका फोन आया होगा, बताइए क्या कह रहे थे, पागल भी है तू, पागल भी है भाई। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं, जो किसी एक ही व्यक्ति की, ठीक है, जिसके ऊपर ऑनरशिप एक ही पर्सन के ग्रुप ऑफ पर्सन का होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन यानी भैया मेरे हैं, मेरे तो जैसे आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप हो गए, तो ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे ओन बाय इंडिविजुअल्स, जैसे ओन लैंड हाउस, अपना मकान, मकान अब तुम्हारा मकान है ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी बढ़ता चला, अरे कहाँ बनाए हो, ऐसा नहीं हो, आपका अपना है, हमाल करता पांडे, ठीक है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कौन होते हैं, कम्युनिटी के ऑन रिसोर्स, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स यानी जो कम्युनिटी चला रही है, जो बेसिकली कम्युनिटी फॉलो कर रही है, जैसे रिसोर्सेज विचार accessible to all the members of the community, for example parks, playgrounds, जैसे मान लीजिए कम्युनिटी हॉल जहाँ पर शादी होते हैं, ऐसा थोड़ी है जिसने कम्युनिटी हॉल बना वही शादी कर रहा है कि हर साल एक शादी, अरे कम्युनिटी हॉल बनवा शादी करेंगे हर साल एक शादी, भाई साहब लोगों को खाना खिलाना है, पार्क जो बना हुआ है वहाँ पर क्या एक ही व्यक्ति घूमता रहता है कि नहीं हमारा पार्क है, तो तेरा तो घर में घूमना बे, ये कम्युनिटी का है नहीं पूरा समाज का, ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति अधिकार कर ले, जैसे तुमने एक लाइन सुनी होगी गली क्या, जैसे गली में बच्चे करते हैं गली किसकी है, तुम्हारे फादर साहब की है, मैं बहुत समझ रहे समझ रहे समझ, वो जो शब्द बोल जाता है इसलिए बोल जाता है, सबकी है यार, साझा संपत्ति है, साझा ही साझी विरासत, लाल किला साझी विरासत, ऐसे तो नेशनल रिसोर्स में आ रहा हूँ, समझ लो रोड, प्ले ग्राउंड, कम्युनिटी हॉल, ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति जाए नहीं भैया यहाँ पे तो हम ही रहेंगे, यहाँ पे हम ही रहेंगे, कोई और नहीं आएगा, अब अगर कोई आया तो आया देंगे भाई, नहीं आ सकता वो, कोई नहीं आ सकता वो, कोई नहीं आएगा यहाँ पर, हम ही खेलेंगे, अल्लाह भाई हार समझते। चलिए अब आते हैं नेशनल रिसोर्स पे, नहीं राष्ट्रीय संसाधन पे,
ये वो संसाधन होते हैं जो एक देश को बिलोंग करते हैं, एक नेशन को बिलोंग करते हैं, उसके एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर होते हैं बेसिकली, ठीक है, टेरिटरी के अंदर होते हैं। उस टेरिटरी के अंदर मिलने वाले सारे रिसोर्स उस देश के होते हैं, यानी उस फिजिकल बाउंड्री के अंदर मिलने वाले वो सारे रिसोर्स उस देश के ही होते हैं। जैसे लाल किला, लाल किला पर ऐसा थोड़ी है कि वो चचा जाएंगे जो बाइडन और कहेंगे लाल किला हमारा अब आ जाना, लाल किला तेरा, कल को कह देगा ताजमहल हमारे चाचा ने बनवाया था क्योंकि ये भी गोरा हम भी गोरे, कोई सेंस है इस बात की? नहीं ना। मान लो हमारे यहाँ के कानपुर के लोग कह रहे हैं अरे ये जो व्हाइट हाउस है हमने बनवाया था, मजदूर थे तुम लोग, क्या चल रहा है इस देश, मतलब समझ के देखो, प्रैक्टिकल नहीं है कहीं से कहीं तक। तो नेचुरल रिसोर्स होता है जो एक देश की संपत्ति होती है, उस पर पूरे देश का हक होता है। ठीक, जैसे बिहार के अंदर न्यूज थी कि बिहार के अंदर सोना पाया गया, तो वो सोना सिर्फ बिहार मतलब बिहार राज्य का होता है, पूरे देश का भाई, प्रदेश यूज कर सकता है। लाल किले के अंदर कोई भी घुस सकता है, बहुत तो ऐसे घुसते ही चले जाते हैं, ठीक है, कुछ तो ऐसे तो जो घुसते ही चले गए, तो पता नहीं, समझ रहे हो, समझ। चले, इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं जो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के नहीं, ठीक है। रिसोर्सेज विच कैन नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, जो कोई भी एक कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ओशन, ओशनिक वाटर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर, जो ओशंस है वो 200 किलोमीटर के आगे उसको कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जाएंगे चाइना वाले कि हमारा है अबे तेरा है, थोड़े दिनों बाद क्या देगा, सारा देश तेरा, पूरी दुनिया तेरी है, पानी तेरा है, फीलिंग समझ सकते हैं, फीलिंग आप समझ सकते हैं। तो यही यहाँ पर ये सीन है, जो इंटरनेशनल रिसोर्स है वो सभी के हैं, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनके हैं। जैसे अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गए, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार नहीं है। अगर आप हम कहें बात करें आउटर स्पेस की, तो ऐसा नहीं है कोई भी कंट्री वहां पर जाके कह देगी नहीं आपका प्लेन यहाँ नहीं उड़ेगा, क्यों नहीं उड़ेगा, आउटर स्पेस है, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सभी का अधिकार है। चांद पे चले गए, जिस दिन चांद का बंटवारा होगा उस दिन हमारा भी एक हिस्सा उसके चांद में हम भी लेंगे, ऐसा चांद की जमीन बिक रही है जिसको लेनी है ले लो, अपने बाबू सोना के नाम पे करा लो कि देखो मैं तुम्हारी सही में चांद ले आया, क्या चल रहा है इस देश, ये चल रहा है। चलो, ऑनरशिप के बेसिस पे हमने चारों पलटी, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल होता है जिसपे एक पर्सन का अधिकार होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है जो समाज पे, पूरे समाज के, नेशनल यानी एक देश का पर्टिकुलर अधिकार है, इंटरनेशनल रिसोर्स जिसपे पूरी दुनिया का अधिकार है, किसी एक देश का अधिकार नहीं है। जैसे कि ओशनिक वाटर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से आगे के जो ओशनिक वाटर होते हैं उसके अंदर कोई भी जा सकता है। यहाँ पर इंडिया को फायदा हो जाता है। इंडिया को फायदा कैसे होता है, देखो इंडिया का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, इसके आगे की साइड अगर हम जाएंगे तो आप जानते हैं इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की साइड, नीचे की साइड बहुत ज्यादा टाइड्स आते हैं, ठीक, और वो इतने भयंकर टाइड्स होते हैं इधर की साइड जो टाइड्स होते हैं नीचे, ठीक है, कि जहाज डूब जाते हैं। अब जहाज कोई डूबना नहीं चाहता, अब कौन चाहता है कि हमारे 10 करोड़ का सामान डूब जाए, कोई ना चाहता, तुम चाहते हो, हाँ सर हम चाहते, क्या तुम कुछ भी चाह सकते, तो थोड़ा ऊपर आते हैं। जैसे ही वो ऊपर आते हैं, ऊपर की साइड आते हैं, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं वो। अब इंडिया की टेरिटरी में आ गए, लाओ टैक्स लाओ, माई टेरिटरी से गुजरो, तो ये भी एक बेनिफिट है इंडिया का, बहुत तगड़ा बेनिफिट है इंडिया, पैसा हमारे पास, पैसा पैसा इंडिया के पास। चलिए, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जस्ट लाइक फर्स्ट इज पोटेंशियल इशू, सोर्सेज फाउंड इन अ रीजन बट आर बीइंग टैप्ड फॉर यूज, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी राजस्थान, विंड एनर्जी, भैया सोर्सेज जो एक रीजन में पाए जाते हैं और टैप्ड हैं, ठीक है, रीजन के लिए। यानी जैसे अगर मान के देख लीजिए, अगर मैं कहूँ इस बोतल में पानी है, बोतल में पानी है, ये रिसोर्स है, ये पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास पानी है, पानी, हाँ, डेवलप्ड रिसोर्स होता है, रिसोर्स विच आर नोन एट देयर क्वालिटी और क्वांटिटी हैव आल्सो डिटरमाइन, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिटरमाइन हो। बोतल में आधा पानी है और मिनरल पानी, पहला पॉइंट बोला मैंने, बोतल में पानी है, ठीक, पोटेंशियल, पोटेंशियल है हमारे पास, पोटेंशियल है भाई साहब, बहुत पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है क्या बात कर दूँ, ठीक है। इसके बाद हमने बोला क्या, इसके बाद हमने बोला भाई साहब कि इसके अंदर आधी बोतल पानी, आधी तो नहीं, आधी से ज़्यादा, और मिनरल पानी, तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड होगी, देन इट्स बिकम डेवलप्ड रिसोर्स।
अब आते हैं तीसरे पे रिजर्व्स, ठीक है, सबसेट ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का सबसेट होता है बच्चा, कैन बी यूज फॉर फ्यूचर नीड, फॉर एग्जाम्पल वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, वे जिनको यूज कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है अभी ये यूज करने। जस्ट एग्जाम्पल, आपके घर पे चॉकलेट है, पोटेंशियल रिसोर्स डेरी मिल्क की चॉकलेट है, ठीक है, और चार चॉकलेट है, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टैंड पे रखी है, कुर्सी नहीं है और तुम्हारी हाइट छोटी है मेरी तरह, तो तुम पहुंच नहीं सकते और कुर्सी नहीं है, बस कुछ भी नहीं। तो अगर किसी के मन में ये चल रहा होगा, अरे सर जी कुर्सी लगा लेंगे, बहुत मारूंगा तुम, कह रहा हूँ ना कुछ नहीं तेरे पास, कुछ नहीं है, तो हम यूज़ नहीं कर सकते, हम कहते हैं यार बाद में यूज़ कर लें जब वो टेक्नोलॉजी बन जाएगी। ठीक, स्टॉक रिसोर्स अवेलेबल बट नॉट है प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, स्टॉक हो गए जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक, और रिजर्व, रिजर्व हो गए, टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी सब है लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे, उसका यूज नहीं कर पा रहे, यानी रिजर्व और स्टॉक दोनों समझा दिए मैंने। अभी तक हमने कहा सबसेट ऑफ स्टॉक, सबसेट यानी स्टॉक का मतलब क्या होता है, यानी भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज इट, ठीक, तो स्टॉक है, अगर टेक्नोलॉजी आ गई सब कुछ है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे तो वो रिजर्व बन जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, रिजर्व बन जाएगी, तो बन जाएगी रिजर्व। ठीक, जैसे इसका मैंने चॉकलेट से एग्जांपल दिया, चॉकलेट है सर पोटेंशियल, डेरी मिल्क की और चार चॉकलेट है सर डेवलप, ठीक है, कांड में रखी है, सीढ़ी वीडी कुछ नहीं, तो वो क्या बन गया, स्टॉक बन गया, सीढ़ी भी है सब कुछ है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, हमारा मन नहीं कर रहा खाने का, देन वो रिजर्व, वो क्या है, रिजर्व से, वो क्या है, रिजर्व से। फिर लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ टू यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमें ये नहीं पता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस तरीके से अभी तक यूज़ करना है, तो वो क्या है, एक तरीके से स्टॉक है। इसका एक और एग्जांपल है, पानी किससे बनता है सर, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, अब इसका मतलब थोड़ी है हाइड्रोजन लोगे ऑक्सीजन लोगे और मिला दिया पानी मर गया, पागल भी है क्या भाई, तेरे को समझ है क्या कह रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिला मिला के तुम ए ओलिए की तरह पानी बनाते चल रहे हो, ऐसा होता पता नहीं कितना पानी बना, ठीक है, पता चला नाक से तुम्हारी नदियाँ बह रही होती, ठीक है, क्यों लेते तुम्हारे फेफड़ों के अंदर पानी चल रहा है, नलके लगे हुए हैं तुम्हारे। आई होप ये चारों क्लियर हो गए होंगे। पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं, डेवलप रिसोर्स जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है, ठीक है, स्टॉक वो होते हैं जिसके पास, हमारे पास रिसोर्स तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज करने की, रिजर्व उस कैटेगरी के अंदर आते हैं इसके अंदर सब कुछ होता है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे। अब आते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, देन देयर इज अ वर्ड दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सीधा सीधा ये है बच्चा, अपने संसाधनों का इस तरीके से यूज करना कि नेक्स्ट जनरेशन भी उसका यूज कर पाए, ठीक, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि नेचर डैमेज ना हो, नेचर बचा रहा है। हमारा मेन पर्पस क्या है डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट चाहते हैं कि भाई हम और इजी लाइफ जिए, डेवलपमेंट का मतलब है इजी लाइफ, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जैसे आप पहले जानते हैं पहले हाथ से कपड़े धोए जाते थे, फिर वॉशिंग मशीन, ठीक, कूलर, एसीज, ठीक है, पंखे से हम कूलर पे शिफ्ट हुए, कूलर से हम एसी पे शिफ्ट हुए, एसी से अब पता नहीं कहाँ क्या फ्रीजर के अंदर ही बिठा दिए जाएंगे, 2-3 साल बाद लोग कुछ नहीं कह सकते, ये विधि का विधान है मित्र, कुछ भी हो सकता है, ये भारत है। लेकिन ये समझना मेरे बच्चे, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट को इसके अंदर नुकसान ना हो, सर है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी। आप एसी चलाते हैं, एसी के जो आउटर्स होते हैं, ठीक है, वो एग्जॉस्ट जो एयर है, जो गर्म हवा है, उसको बाहर निकालते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, टेम्परेचर राइज होता है, ये हम सभी जानते हैं कि जो आउटर्स हैं वो गर्म हवा फेंक, जो गर्म हवा है कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है, बहुत बड़े पैमाने पर ना करें लेकिन कम पे करें, ठीक है, लेकिन करती ज़रूर है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, वो भी इसके अंदर है, हम बात करते हैं जब इंडस्ट्रीज लगती है तो उससे जो निकलने वाला पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो भी एयर और इन सबको पॉल्यूट, मतलब एयर को, वाटर को पॉल्यूट करता है, थर्मल हमने पॉल्यूशन के बारे में सुना, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर पॉल्यूशन की बात भी की, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें
एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने आप का डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। बेटा अगर एनवायरनमेंट डैमेज हो गया तो सीधी बात है कि कुछ भी नहीं बचेगा। हम नेचर की बदौलत है, नेचर हमारी बदौलत, हम नेचर की बदौलत है। अगर नेचर अपनी पे आया तो सब एक बार निपटा देगा, एक ही बार में बस वो निकलो। वो ये भी, वो तो बोलने भी नहीं देता है, वो तो पैकिंग भी नहीं करने देता हमें, हमें पैकिंग कर लेंगे यहाँ से नहीं मान जा रहे हैं, सीधा आएगा एक ही बार में, कहता चलो 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 सारे। और प्रकृति जो नेचर है, जो मदर नेचर है, किसी पर रहम नहीं दिखाती जब वो गुस्से में आती है। नेचर, नेचर भी हमारी मदर की तरह है, हमारी माँ की तरह है कि वो कहती रहेगी मान जा पिट जाए, मान जा पिट जाए, मान जा पिट जा, तुम नहीं मानते। फिर जब वो ढूंढती है ना, ओए होए होए कमल लाल करते। मदर नेचर भी ऐसी है, वो आपसे कहते हैं कि मान जाओ यार, पेड़ वेड़ मत काटो, इतने तुम्हारे लिए हैं, ठीक, नदियों के रुख को मत मोड़ो, डैम्स इतने मत बनाओ, ठीक, चीज़ें मत करो, मान जाओ यार, मान जाओ, तुम नहीं मानते। एक ही बार में सुनामी आती है, बाढ़ आती है, ठीक है, फिर क्लाउड बस्ट होता है, लैंडस्लाइड्स होती है, सारी चीज़ें एक ही बार में होती है और सारे फिर रो रहे होते हैं कि जी क्या हो गया, अरे क्या क्या हो गया, आप भी तो देखो कि आपने क्या करा है। आपने पहाड़ों पे से पेड़ काट दिए, जो पेड़ की रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं ताकि वो कहीं ना जाए। तुमने पेड़ काट दिए, रूट्स फ्लॉप हो गई तो लैंडस्लाइड ही होगा ना, और क्या हो, केक कटेगा वहाँ पे, ठीक है। आपने हर जगह जाके होटल खोल दिए, शिमला, दार्जिलिंग, देहरादून, यहाँ पर होटल खुले हुए हैं जहाँ पर आज तक मई जून के अंदर पंखे तो छोड़ो कुछ नहीं चलता था, लोग हीटर जलाते थे, वहाँ पे आज के टाइम पे एसी चल रहे हैं। हमने डिग्रेड किया रिया भाई, मतलब हम का मतलब यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब हैं। ईच एंड एवरी पर्सन आर डिग्रेडेड ऑल एनवायरमेंट फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ये सब जानते हैं हम। नेचर ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, लेकिन नहीं, हमें तो वही चाहिए, हमें तो मैन मेड थिंग्स चाहिए, लो ले लो और क्या करोगा, यही होगा और क्या होगा। ये डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कोई सीधी बात है कि गांधी जी कहते हैं रिसोर्सेज आर फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, जो हमारी रिसोर्सेज हमारी जरूरत के लिए, हमारी लालच के लिए नहीं है। लालच का यहाँ पर एक सेंस मैं और बताता हूँ। एक प्लेट शादी पार्टी में आप जाते हैं, ठीक है, पार्टीज में गए, आपने देखा होगा ये व्यक्ति आता, एक प्लेट लेता, इधर गुलाब जामुन रखेगा, दही बल्ले रखेगा, इधर रखेगा पनीर, इधर रखेगा छोले, इधर रखेगा पापड़, इधर रखेगा अचार, इधर रखेगा चटनी, इधर रखेगा नान, ठीक है, और बीच में इधर की साइड दाल, चावल के अंदर वो एक कुआँ सा बनाएगा, उसके अंदर डाल देगा चटनी मतलब पनीर डाल देगा वो, ठीक है, और यूँ लेकर नाच रहा हूँ, लेके आएगा, उसके अंदर 6 नान होती हैं, वो दूर से दिख जाता है, वो पहाड़ जो होता है ना, माउंट एवरेस्ट, वो दूर से दिखता आ रहा है भाई साहब। एक नान खाएगा, दो नान खाएगा, बाकी सब फेंक देगा। जितने खाने की बर्बादी उस व्यक्ति ने कही है, शायद उस उतने खाने के अंदर 2 या 3 लोग और खाना खा सकते, 2 या 3 लोग और खाना खा सकते थे, यानी अपने 3 लोगों के रिसोर्सेस बर्बाद किया। ये लगती तो कॉमेडी वाली सीन है कि भाई अरे हाँ हाँ हा, उसने इतना खाना, लेकिन अगर हम सोच के देखो तो कितना फूड वेस्ट होता है इस चीज़, कितने रिसोर्स हम वेस्ट करते हैं, जहाँ पर उस देश के अंदर जहाँ पर आधे से अरे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर लोग मिट्टी खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये बात है, बट आपको रिसोर्स तरीके से यूटिलाइज करना, हमें ये सिचुएशन ना हमें ना हमारी फ्यूचर जनरेशन कि अगर ऐसी फेस होती है बदल और बिगड़ वो कोई भी। एनवायरमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज नीड्स ऑफ फ्यूचर, तो भैया नीड फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं, टू यूज अवर रिसोर्स इन सच ए मैनर दैट नेक्स्ट जनरेशन कैन ऑल्सो यूज दैम, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। सारी चीज का ठेका आपने थोड़ी लिया है, मतलब हमने ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमने अपनी मतलब फोर फादर से हेरिडेट नहीं किया है, ठीक है, हेरिडेटरी में नहीं लिए, ये हमने नेक्स्ट जनरेशन से लोन में लिए हैं, लिए हैं, और हमें इन्हें लौटाना है और अच्छे से लौटाना है, ज़्यादा अच्छे से। लैंड एंड इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, अगर लैंड इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर की बात करें तो प्लेन्स हमारे पास 43% है, माउंटेन 30% और प्लेट्यूज 27% है।
ठीक, अगर हम देखें 4 दिन 7 8 9 ठीक है, मतलब 100% के अंदर ये तकरीबन होता है। ठीक है, फिर इस तरीके से हमने रिलीफ फीचर्स, इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, आइलैंड्स भी हैं वो सारे हैं, वो इसी के अंदर काउंटिंग के अंदर डाल। अब आता है लैंड डिग्रेडेशन का मतलब, कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जमीन का नष्ट होना है। अपर पार्ट है जो जमीन होती है, हमारी भूमि होती है, उसको नष्ट होना और खराब होना। अगर वो खराब हो जाती है तो वहां पे कोई भी काम नहीं। जैसे कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एंड मैनेज इट लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। सीधी बात है, अगर बच्चा आपसे भी दिन रात काम कराया जाए, मेहनत कराई जाए, आपको रेस्ट ना दिया जाए, आप भी बौखला जाओगे, आप भी ऐसे सोते बुल्लू की तरह उठोगे, तो रहा तो एक लैंड जो रिसोर्स है हमारे लिए, जो हमें खाना दे रही है, और उसको भी हम बेतरतीब तरीके से यूज करते रहे। भैया खेती एक बार, यार आप दोबारा खेती करो, इसको सांस नहीं लेने देने, अरे बहुत उपजाऊ मिट्टी है, अरे लगाते रहो, अरे ये कर, तो जमीन भी खराब हो जाएगी। हर एक चीज का एक वैल्यू होती है, हर एक चीज मतलब लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट से एक्सीड कर जाओगे वो चीज वहीं पर खत्म। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम किसी चीज को एक्सीड ना करें, ज्यादा एक्सीड ना हो, उसी लेवल में रहें वो सारी चीज, और कंजर्व करें। लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा मतलब, जैसे हम क्या करते हैं, हम इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जमीन के अंदर बहुत गड्ढे खोदते जाते हैं, जिससे वो गड्ढे की जो जमीन होती है वो किसी काम की नहीं है। वहां पर आप खेती नहीं कर सकते, वहां पर आप मकान नहीं बना सकते, वहां पर आप जंगल नहीं उगा सकते। तो आप कहेंगे सर जंगल नहीं उगा सकते, ये क्या बातें कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जमीन खरीदते हैं, वहां पर जंगल यानी फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे फॉरेस्ट लगा, ताकि नेचर बैलेंस, जो कुछ एनवायरमेंट होते हैं ना जो भाषण देते हैं, वैसे फेक एनवायरमेंट नहीं है हमारे पास। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया है, बर्ड्स के लिए काम किया, बर्ड्स मैन ऑफ, जिन्होंने रिवर्स के लिए काम किया, जो आज पॉन्ड्स को क्लीन कर रहे हैं, जिनकी प्लान्स चल रही हैं, जो काम कर रहे हैं, सभी लोग लायक हैं कि उनका एनवायरमेंट क्या है। वो ऐसे नहीं कि भाषण दे रहे हैं, हू आर यू, यानी थके ध्यान से प्लीज टू लैंड इग्नेशन मेजर टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन सॉल्व कर सकते। देखिए हर एक चीज का एक सोल्यूशन है, एवरी थिंग एज अ सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैव अ सोल्यूशन, बस फर्क इतना है आप देखते कैसे हैं। जैसे आप प्रॉब्लम को देखेंगे वैसे, अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के नज़रिए से देखेंगे तो वो प्रॉब्लम ही लगेगा, और प्रॉब्लम को ये देखेंगे चैलेंज शुरू। लैंड डिग्रेडेशन एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है, तो एफॉरेस्टेशन सबसे पहले करो, भैया पेड़ लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होती है, मतलब इसके रीजन क्या है। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं कि सर डिग्रेडेशन का रीजन क्या, सिर्फ गड्ढे खोदना है नहीं, माइनिंग है। माइनिंग यानी जब हम माइंस के अंदर काम करते हैं, तो माइन इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रेजिंग, जो जानवर होते हैं ठीक है, जो गाय बैल बकरी, या फिर आपने देखा होगा उनके जो खुर होते हैं, पैर के जो वाला पार्ट होता है ना, खुर जो होता है, वो क्या करते हैं, जैसे ही वो आगे निकलते हैं तो वो जो मिट्टी है या फिर लैंड है उसके अंदर गड्ढा सा करते हैं और उस मिट्टी को पीछे डालते हैं। अगर एक ही जगह पर जानवरों को बार 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 ग्रेस कराया जाए, चराया जाए ठीक है, तो एक उनकी जो खुर है ठीक है, उससे वो जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि वो बाहर निकल जाती है, ये मतलब टूट जाती है। दूसरा, ज़्यादा ग्रेजिंग से क्या है, वो जड़ें तक निकाल देते हैं ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे वो जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है, जो ग्रास है वो जब रूट्स निकल जाएंगे उसके तो वो किसी काम के नहीं, वैसे खराब। तो हमारा काम क्या है कि फॉरेस्ट को लगाना ठीक, प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट हो, कि एक एरिया के अंदर ग्रेजिंग होगी फिर दूसरे एरिया में जाए, ऐसा नहीं कि हर जगह ही गाय भैंस को छोड़ दे जाओ चरो। ग्रेजिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, शेल्टर बेल्ट बनाई जाए, यानी जो आसपास का इलाका होता है ठीक, वहां पर शेल्टर्स यानी जो पेड़ पौधे लगाए हैं, ताकि चीजें सही तरीके से चलती रहे। क्लास क्लियर। अब और चीज़ जान लेते हैं, जैसे अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ करें, मतलब एक ज़मीन पर अगर ज़्यादा पानी, तो मार्शी रीजन बन जाएगा, नहीं दलदली इलाका बन जाएगा, वो ज़मीन किसी काम की नहीं।
ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन यही है कि आप पहले तो पेड़ लगाएं। पेड़ से क्या होगा, वो जमीन बची रहेगी, उस पे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट हो कि भाई जानवर सही से चरें, शेल्टर वेल्स बनाए जाए, ठीक है, सैंड ड्यून्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर ध्यान से पढ़ा होगा, सैंड ड्यून्स कुछ प्रकार के अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जो रेत के बने होते हैं। और सैंड ड्यून्स की खासियत क्या होती है, रेत के बने होते हैं तो जैसे ही हवा चलती है, जैसे हवा चलेगी तो यहाँ छोड़ के यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, यानी ये अपनी जगह बदलते हैं, जैसे बहुत लोग आपकी जिंदगी क्या बोलती है? फिर चलिए, तो इनके ऊपर अगर हम थॉर्नी बुशेज लगाएं, थॉर्नी बुशेज का मतलब है कि झाड़ियाँ लगाएं, कटीले पेड़ लगाएं जो वहाँ की प्रॉपर जो एग्रीकल्चरल या वेजिटेशन है, वैसे जो वहाँ की वेजिटेशन है अगर वहाँ पर वो यूज़ की जाए तो वो चीज़ों को रोक के चले, कंट्रोल ऑफ माइनिंग, माइनिंग पे कंट्रोल किया जाए, एक्टिविटीज़ अवॉइड ओवर इरीगेशन, ज़्यादा पानी यूज़ ना करें, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम केमिकल्स का यूज़ इतना ज़्यादा कर देते हैं कि ज़मीन ख़राब हो जाती है, उसकी फर्टिलाइजेशन पावर ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो एस्ट्रॉइड्स लेते हैं या बाकी चीज़ें लेते हैं, उनकी बॉडी एकदम खत्म खत्म क्यों हो जाती है, कि भाई एक होता नेचर नेचुरल, एक होती है नेचुरल, एक होती है फिल्टर वाली, समझ रहे डिफरेंस, समझदार बहुत हो तुम। चलिए थोड़ा और आगे, अब आता है सॉइल इरोजन का पार्ट, कि सॉइल इरोजन कैसे होता है। सॉइल इरोजन कुछ इस तरीके से होता है बच्चा, ठीक। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो अपर पार्ट ऑफ लेयर है, क्या है बच्चा, अपर पार्ट ऑफ लेयर, अपर पार्ट ऑफ सॉइल, जो अपर पार्ट ऑफ लेयर होती है लैंड की सॉइल, जो उसका हट जाना, उसका हट जाना, उसका हट जाना। सॉइल इरोजन द डेग्रेडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज सॉइल इरोजन, सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन है वो सॉइल इरोजन कहलाता है, यानी अपर पार्ट का जैसे ही जो सॉइल कवर होता है उसका हट जाना ही सॉइल इरोजन है। जैसे अगर आप देख सकते हो ये जो अपर पार्ट है जैसे ही हट गया, ठीक है, ये सॉइल इरोजन है, ये बेसिकली गली इरोजन के अंदर आता है, गली इरोजन का एक पार्ट है। सॉइल इरोजन दो तरीके से होते हैं, एक तो शीट इरोजन, एक होता है गली इरोजन, गलियां बनाई जाती हैं, गलियां तेरी गलियां, इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव मैथड ऑफ फार्मिंग। वेट, डिफेक्टिव मैथड कैसे भैया, खेत क्या, अगर कभी आप गांव गए हो तो गांव के अंदर ना इस तरीके से खेत की जुताई होती है, या ट्रैक्टर इस तरीके से चलता है, ठीक है, और मान के देखो तुम यूं चलाओ ट्रैक्टर, टेंटे 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 टेंटे, ये क्या ज़मीन ख़राब कर दी तुमने, किसी काम की नहीं ज़मीन, सॉइल ऊपर की हट गई। हम कह जाते हैं कि सॉइल जो है वो इस तरीके से, यानी मूवमेंट होगी, जो ऊपर अपर सॉइल है वो नीचे जाए और नीचे वाली सॉइल ऊपर आए, जैसे ये चलता रहेगा तो सॉइल उपजाऊ बनी रहेगी, यानी फर्टिलिटी पावर उसकी रहेगी। जैसे सॉइल नीचे जाती है वो फर्टिलिटी पावर लेके और ऊपर आती है। हाँ, अब आ गया हूँ मैं, जैसे डार्क नाइट के अंदर आता ना बैटमैन, ये डार्क नाइट राइजेस के अंदर वो आता है, कुएं के अंदर फेंक दिया जाता, फिर आता अब मैं और मजबूत, वो वाला सी एक नेचुरल फोर्सेज जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर फ्लो, ये भी लैंड इरोजन के अंदर एक रीजन बनते हैं। विंड से जैसे हमने बात की थी सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स के अंदर क्या हो रहा है, विंड इरोजन, यानी हवा लेके चल रही है, हवा के साथ साथ, हवा के संग संग मिट्टी निकल जाती है। पानी क्या करता है, पानी, आपने कभी घर पे सीढ़ियों पे पानी डाला है, स्टेयर्स को धोया है, अगर आपने कभी स्टेयर्स को धोया हुआ, फिर फ्लोर की सफाई की हो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही अपना फ्लोर पे जैसे पानी डालते हैं तो पानी के ऊपर एक हल्की सी लेयर सी आ जाती है, ठीक है, डस्ट की क्लियर हो जाती है। या फिर इसका एक और बड़े तरीके बताता हूँ, जैसे ही आप सीढ़ी पे पानी डालते हैं तो मिट्टी बहने लगती, तो मिट्टी है ना वो बहती है जैसे ही, ठीक है, वही एक वही मतलब सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन सीढ़ी यानी जो स्टेयर्स होते हैं, जो टेरेस लाइक फीचर जो होते हैं, ठीक है, जो स्टेयर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर एक खास बात होती है बच्चा, ठीक है, अगर हम स्टेयर्स पे यहाँ पर पानी डाल रहे हैं तो मिट्टी यहाँ पर रुक जाती है, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है और पानी आगे निकल जाता है, और पानी जैसे आगे निकलता है फिर यहाँ की मिट्टी यहाँ डिपॉजिट हो जाती है, फिर आगे जाएगा फिर यहाँ की मिट्टी यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें टेरेस कल्टिवेशन करनी चाहिए या फिर हम स्टेप फार्मिंग मेथड यूज करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जो मतलब माउंटेन हिली एरियाज के अंदर बेसिकली किया जाता है, ठीक है, दार्जिलिंग के अंदर अगर आप प्लांटेशन फार्मिंग देखेंगे तो इसी से होती है, क्यों किया जाता है,
ताकि एक तो इसमें पानी कम लगता है, एक तो पानी कम लगता है, आप जानते हैं कि आपने पहली सीढ़ी पानी डाला तो पांचवी छठी सीढ़ी या सातवीं सीढ़ी तक पहुंच जाता है पानी, ठीक है, चौथी पांचवी तक तो नॉर्मल पहुंच जाता है। जैसे ही वो पानी पहुंचेगा जो सॉइल होगी वो एक तरफ जगह डिपॉजिट हो जाएगी, जैसे भी डिपोजिशन ऑफ सॉइल होगा वो चीजें आराम से चल सकती हैं आपके पास। सॉइल इरोजन ज्यादा बेहतरीन तरीके से, मतलब सॉइल का जो डिस्ट्रॉय है, जो सॉइल डिस्ट्रॉय होती है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्लियर क्लियर। तो ये थे हमारे पास रीजंस के, इरोजन के रीजंस क्या हैं, अगर रीजंस पूछे ये हैं आपके पास। अब टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स क्या है, एक होता है गली इरोजन, मैंने आपको अभी गली इरोजन दिखाया, शीट इरोजन, जैसे शीट इरोजन का बड़े एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जैसे ही आप फ्लोर पर पानी डालते हैं तो फ्लोर के साथ जो पानी के साथ ऊपर जो डस्ट बहती है वो एक जगह चली जाती है और वो पूरी की पूरी हट जाती है, उसी चीज को हम शीट इरोजन कहते हैं। गली इरोजन, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गली। जैसे अगर हम बात करें, ठीक, इस तरीके से ये जो है ये गली के रूप में बन जाती है, ठीक, यहाँ से पानी बहाया, ठीक है, पानी बह बह के क्या बन गया है, गली बन गई, ठीक है, इसको ये लैंड बैड बना देते हैं, यानी उत्खात भूमि जिसे कहते हैं, ठीक है, उत्खात भूमि यानी किसी काम की नहीं है। अगर आप पीछे की स्लाइड देंगे तो उसके अंदर मिट्टी किस काम, किसी नहीं। तो चंबल बेसिन, जो चंबल की घाटी है वो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, रेविनीज भी कहा जाता है। शीट इरोजन जब टॉप मोस्ट सॉइल होती है, जो टॉप लेयर होती है वो वॉश अवे यानी बह जाती है, तो वो भी वो क्या होती है, शीट इरोजन। अगर हम मेथड्स की बात करते हैं सॉइल इरोजन कैसे बचाया जाता है, हिली एरियाज में, बेसिकली हिली एरियाज में प्लफिंग अलॉन्ग द कॉन्टूर लाइन्स, वे कॉन्टूर लाइन्स यानी कॉन्टूर प्लफिंग करी जाए, किस तरीके से प्लफ किया जाए, ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन जो आपको अभी बताया था मैंने, यानी टेरेस की साइड इस तरीके से, इस तरीके से टेरेस कल्टीवेशन हो, ठीक, स्ट्रिप फार्मिंग एंड शेल्टर वेल्स, या शेल्टर वेल्स लगाई जाए, यानी जो आपके खेत के आसपास यानी पेड़ पौधे उगाए जाए, एक पूरी शेल्टर बनाई जाए, मतलब शेल्टर बेल्ट बनाई जाए, ठीक है, पेड़ों को, तब जाके वो चीजें बच सकती हैं, ठीक। अब चलते हैं हमारे पास सॉइल और उसके टाइप्स के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और सबसे पहले ही क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, व्हाट इज एलुवियल सॉइल, या फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, व्हाट इज एलुवियल सॉइल, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एलुवियल और ब्लैक सॉइल, जो हम आगे पढ़ेंगे एक सॉइल करके। जो एलुवियल सॉइल है वो पूरे नेशन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो सॉइल है वो 45% के अराउंड पाई जाती है इंडिया के अंदर एलुवियल सॉइल, ठीक। तो एलुवियल सॉइल की खास बात क्या है, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है बच्चा, सबसे ज्यादा ये फर्टाइल होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल है। एंटायर नॉर्दर्न प्लेस आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, पूरा उत्तर उत्तर का मैदान यानी जो हमारा यूपी बिहार बंगाल, ठीक है, हरियाणा, ये वाला जो पूरी बेल्ट है ये एलुवियल सॉइल से बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है। पंजाब को थोड़ा सा इलाका ले लेते हैं हम, ठीक है, ऑल्सो फाइंड इन द ईस्टर्न कोस्टल, ईस्ट कोस्ट के प्लेन में भी यही पाई जाती है, ठीक है, महानदी के डेल्टा में, गोदावरी के, कृष्णा के। ऐसा क्या है कि ये डेल्टा या नदियों के पास पाई जाती है, इस सॉइल की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो सॉइल है ये बेसिकली बेटा रिवर के साथ जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स आते हैं ये उनसे बनती है। रिवर अपने साथ अपनी जवानी के दिनों में, यानी जवानी का दिन मतलब जब वो यंग एज में होती है, रिवर रिवर यंग एज में होती है, क्योंकि आप अगर 11th के अंदर आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, 11th 12th के अंदर, तो आपको पता चलेगा जो रिवर है उसको ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग हम बाइफिकेट कर सकते हैं। जब वो यंग होती है तो जैसे हम यंग होते हैं हमारे अंदर होता है कि भाई हम सारे काम कर देंगे, हमारे अंदर मतलब एक स्टैमिना होता है, एक जुनून होता है, ऐसे ही रिवर के साथ होता है। रिवर जब यंग एज में होती है तो उसका जो बहाव होता है, जो उसका फ्लो है वो बहुत तेज होता है, और उसका सामने जो भी आता है वो तो लेके चले जाती है कि चल हाथ तो जो घुमा के लो, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा पत्थर क्यों उसको घुमा के ले आती है, और इतना बड़ा पत्थर होता है आयरन में आते आते इतना समझता है, ठीक है। इस कारण जो सेंडिमेंट्स होते हैं ये यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देती है सॉइल। जस्ट लाइक अगर आपसे मैंने कहा कि आपको मैंने एक बैग दे रखा है जिसके अंदर 20 सीटें हैं, वैसे तो उठा नहीं पाओगे, मान लो 20 सीटें दी हैं और मैंने कहा कि आपको अपने घर तक जाना है, कोचिंग से आपको अपने घर तक जाना है, बट आपको सर बैग तुम्हारी है, मैंने कहा कि जहां जहां आपको लगे ना कि ईंट अब ये उठा नहीं सकता, तो आप वहां वहां पे ईंट फेंकते जाओ, आपने पहले 2 मिनट चले फिर ईंट फेंकी, फिर एट द एंड पहुंचते पहुंचते कुछ ही चीज। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि जहां पर आपने ईंट फेंकी वहां पर कोई और ईंट ना फेंके, मतलब वहां पर दोबारा ईंट नहीं फेंकी जा सकती, आप नहीं हो सकता, कोई और जाएगा तो अगर उसको वहां लगता तो वहां फेंक देगा, वरना उसके आगे, तो पूरा एरिया कवर कर लेती है। और रिवर भी ऐसी करती है, वो जो अपने डिपॉजिट होते हैं वो साइड्स में निकालती रहती है, और
वो चीज़ वहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है और डिपॉजिट होते होते हमारे पास एल्यूवियल सॉइल बन जाती है, क्लियर, जिसको हिंदी में जलोढ़ मृदा भी कहा जाता, इसलिए इनके डेल्टास के इलाके में बहुत ज़्यादा मिलती है। फर्टाइल सॉइल है सबसे ज़्यादा, देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ये एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा फिट है। रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, क्यों? क्योंकि सर हमने एक चीज़ देखी है कि जितनी भी सभ्यताएँ होती हैं वो नदी किनारे लगती हैं, एक तो नदी का किनारा है पहला, दूसरा फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पे खेती हो सकती है, तो एक खेती हो रही है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए एक मनुष्य के जीवन के अंदर, खाने पानी के पर क्या चाहिए? आप कहते हो सर नहीं, दो वक्त पनीर मिल जाए, इसके अंदर पोटैश फॉस्फोरिक एसिड और लाइम मिलता है विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर केन, शुगर केन, पैडी, वीट और दूसरे सीरियल और पल्सेस के लिए बहुत बेस्ट है, एकदम चकाचक है, बेस्ट चीज पूछना। इसलिए आपने देखा होगा जो गेहूं, चावल, धान की खेती है जो कहते हैं, शुगर केन के अंदर यूपी सबसे बेस्ट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था शुगर केन यानी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और पंजाब के आधे हिस्से की जो बेल्ट है वो उसी से बनी हुई है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास सारे क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, देखो ब्लैक स्लाइड है, ब्लैक सॉइल है, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। काली मिट्टी है, काली मिट्टी की बहुत खास बात कि काले रंग की होती है। वाह सर क्या बात कर दिया आपने, बहुत बड़े बहुत बड़े भैया पॉइंट लिखा हुआ तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ब्लैक कलर की होती है, कल से थोड़ी लेके आ रहा हूँ पॉइंट। ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है, इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं, इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं, ठीक। इसके अंदर कपास की खेती होती है, कॉटन की, इसकी होती है कॉटन की। इसकी एक बहुत अच्छी खास बात है, ठीक है, ये बहुत अच्छी खास बात है कि जब ये सूखी होती है, जब इसके अंदर पानी नहीं होता तो इसके अंदर दरार पड़ी होती है, ये दरारें होती हैं, इसके दरारे 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 दरारे, तो दरारें होती हैं, तो उसके अंदर भैंस या फिर जानवरों के खुर अगर अटक जाए तो उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत बार देखा गया कि उसके अंदर वो ट्रैप की तरह यूज होती है, ठीक। दूसरा, लेकिन अगर ये इसकी गीली हो जाए तो चिपचिपी हो जाती है, इसकी भी अलग नखरे हैं, मतलब गीली होगी तो चिपचिपी हो जाएगी, सूखी होगी तो दरार पड़ जाएगी, ना तब काम कर सकते हैं ना तब कर सकते हैं। तो कब सर खेती कब करें? तो बेटा इसके अंदर खेती तब होती है जब पहली बारिश आती है, पहली बारिश की तरह वो, ठीक है, तो याद नहीं आ रहा है लेकिन समझ जाओ, पहली बारिश जब आई, पहली बारिश के बाद यहाँ पे खेती होती है, ठीक है, इसके अंदर मतलब खेत की जुताई हो जाती है और बीज बो दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ दिया, और ये प्लेटूज में पाई जाती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ और गोदावरी और कृष्णा वैलीज में। ये एक्सट्रीमली फाइन है, मतलब बहुत महीन होती है, क्लेई मटेरियल है इसका, वेल नो फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, होल्ड मॉइस्चर को होल्ड करती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर आपकी जो न्यू एनसीईआरटी अपडेट हुई है उसके अंदर ये वाला पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ठीक है, वी कैन सी द ह्यूज क्रैक्स व्हेन इट इज ड्राई एंड इट इज बिकम स्टिकी व्हेन इट इज वेट। ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी में इंक्लूड कर दिया है, ब्लैक सॉइल का पॉइंट देखेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक निकालेंगे, सब ब्लैक सॉइल में जाएंगे, पैराग्राफ में सबसे लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है, क्लियर। और ये मैंने आपको समझा भी। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदा, लाल पीली मृदा, ठीक है, लाल पीली मृदा, इसको हम याद करते हैं आयरन मैन से, आयरन मैन का आपने सूट देखा है, रेड होता है और बीच में येल्लो होता है, मास्क में येल्लो या गोल्डन होता है, ठीक, सेम जैसे आयरन मैन के पास रेड और येल्लो सॉइल सूट था, ऐसे रेड और येल्लो के पास होगा आयरन मैन ने, आयरन, ठीक है, आयरन के रेशन मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है, छोटे छोटे मिलते हैं आयरन, आयरन की वजह से इसका कलर ये होता, ठीक है, फाउंड इन एरियाज लो रेनफॉल के एरियाज में मिलते हैं, जैसे ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू के, दक्कन के पठार के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स हैं, साउथ से सॉरी ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, पिडमेंट जोन में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स के, पिडमेंट जोन कौन होता है, जहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है, यहाँ पे बादल है तो ये वाला पिडमेंट जोन हो जाता है, ठीक, यहाँ बारिश हो रही है, ये पिडमेंट जोन बन चुका है। डेवलप आर रेडिश कलर, ये रेडिश कलर डेवलप करता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, रेडिश कलर के अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है क्या, आयरन, लोहा, लंगट, लोहा होता है इसके अंदर, आयरन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं इसलिए रेडिश होते हैं, लेकिन जैसे ही इस पर पानी पड़ता है, जैसे ही ये, ठीक है, वेट होती है, जैसे ये हाइड्रेटेड होती है,
इट बिकम येल्लो व्हेन इट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, येल्लो हो जाती है जब ये हाइड्रेटेड होती है, हाइड्रेटेड यानी इसके अंदर पानी पड़ा और इसने रंग बदला, रंग बदलता है ये, रंग बदल रही है, रंग तो उसने भी बदले थे। ठीक, लेटराइट सॉइल, लेट है राइट, लेट की राइट, लेटराइट सॉइल है डेवलप्स इन एरिया, एक ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहां पे टेम्परेचर हाई होता है, क्या है हाई टेम्परेचर है बच्चा, और हैवी रेनफॉल है, रेनफॉल हैवी होती है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के हिली एरियाज में, असम में पाई। ये किसके लिए, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के लिए बेस्ट है। ठीक है, लो ह्यूमस है, ठीक है, लो ह्यूमस पाया जाता है कंटेंट है क्योंकि इसके अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण इसके अंदर वो बैक्टीरिया मर जाते हैं जिससे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन पावर थोड़ी कम हो जाती है और ह्यूमस कम हो जाती है, हो जाती है ह्यूमस कम हो जाती है, ह्यूमस क्या हो जाती है। फिर आते हैं हमारे पास एरिड सॉइल, एरिड सॉइल यानी जो भैया रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है, रेगिस्तान की जो मृदा है उसको एरिड सॉइल कहते हैं, ये वेस्टर्न राजस्थान पार्ट में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये कल्टीवेबल है। जैसे आप जानते हैं राजस्थान के अंदर जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न जो राजस्थान पार्ट है, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ साउथ हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है राजस्थान का, ये वाला, ठीक, इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर नदियां बहती हैं, तो यहाँ पर नदियों का जाल बिछाया गया है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी चलाई गई है ताकि यहाँ पर खेती हो सके। आपको यकीन नहीं होगा कि राजस्थान के अंदर भी कुछ जगह पर चावल की खेती तक हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। ठीक, इस चीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो आपको अराउंड 12th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर नहर परियोजना के बारे में दे रखा है, 12th और 11th, ठीक है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और है भी उसके अंदर कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना चली और उससे राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा खेती का सिस्टम वो स्ट्रांग हो चुका। फिर ये बहुत सूखी होती है क्योंकि टाइम में ड्राई होता है, ठीक है, हवा के अंदर मॉइस्चर होता नहीं है, तो उसके अंदर अगर जैसे ही मॉइस्चर पड़ता है ये उसको उड़ा दे, ये पानी पड़ते ही उसको गायब कर, हाई टेम्परेचर है जो इवेपोरेशन को फास्ट करता है, सॉल्ट के अंदर सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, कॉमन सॉल्ट इज ऑप्टेन बाई इवेपोरेटिंग द वाटर, ठीक है, वाटर को इवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट मिल जाता है, NaCl जिसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब समझ के देखो सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें, नमक मिल रहा है इसमें, सलाइन इन नेचर होती है, कैसी होती है सलाइन इन नेचर, ये ध्यान रखना भाई, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं UPSC की तो ध्यान रखना सलाइन इन नेचर है, इसका मतलब ये नहीं है घर के अंदर नमक खत्म हो गया तो इसी को उठा के थोड़ा यूं अभी मम्मी नमक कम आ रहा है मिट्टी है हफ्ते बत्ते चले जाएंगे, आज को मिट्टी डाल दिया कल को पसीना डाल, तुम्हारा क्या है, कुछ भी कर सकते। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल, ये हिली और माउंटेन एरियाज में पाई जाती है जहाँ वेयर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, इसके अंदर इसके जो फीचर है वो डिफर करते हैं, यानी पहाड़ से पहाड़, जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ गए, दूसरे पहाड़ से दूसरे पहाड़ गए, वहाँ पे वेरी करेगा क्योंकि पहाड़ों की हाइट वेरी करती है और वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड के कारण यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है वो भी वेरी करती है। ठीक, इसके अंदर लोमी सिल्टी वैली साइड में मिलती है, कोरस, लोमी का मतलब होता है दोमट, दोमट और सिल्टी मतलब होता है दोमट और चिकनी मिट्टी एक टाइप, दोमट है, एंड कोर्स ग्रेनाइट इन द अपर स्लोप्स, और कोर्स ग्रेन है अपर स्लोप यानी ऊपरी पहाड़ की साइड, ऊपरी स्लोप्स की साइड। ठीक, सोइल इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस आर एलिवियल फैंस आर फर्टाइल, तो आप बेसिकली कहाँ पे देखेंगे, लोअर पार्ट्स के अंदर देखेंगे वैलीज के, यानी जो घाटी का जो निचला इलाका है वहाँ पर रिवर के जो टेरेस है, रिवर के टेरेस यानी जो इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर रिवर बह रही है, रिवर्स का एरिया है ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी, यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो थोड़ी उपजाऊ ज़्यादा होती है, जैसे अगर आप गंगा का प्लेन देखेंगे तो गंगा जब इलाहाबाद के अंदर है, जहाँ पर प्रयागराज, सॉरी, ठीक है, प्रयागराज के अंदर जहाँ बह रही है गंगा, साइड के अंदर आप देखेंगे तो जो मिट्टी है, जो रेत है, वो थोड़ी ज़्यादा उपजाऊ है, वो उपजाऊ ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले, वो जो मिट्टी है वो उसके अंदर आप खेती ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फिर और यहीं पर एलिवियल है, एलिवियल फैंस है और फर्टाइल है क्योंकि नदी बह रही है और नदी के बहने के कारण यहाँ पर, ठीक
और आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा और यहाँ पर हमारा चीज़ें एंड होती हैं क्लास। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करना है तो क्लास मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तकलीफ के टाटा बाबा, लव यू टू, टेक केयर।